उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर में टूरिज्म डेस्टिनेशन हेतु चयनित बोर एवं हरिपुरा जलाशय गुलरभोज में त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के प्रथम आगमन पर अरविंद पांडे कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार एवं बलराज पासी पूर्व सांसद की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इन कार्यक्रमों की घोषणा की जाएगी और इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा होगी और कैबिनेट शिक्षा मंत्री अतुल पांडे से फास्ट न्यूज इंडिया की वार्ता। सर 17 तारीख को हमारे उत्तराखंड के सीएम साहब आ रहे हैं, आपकी तरफ से क्या तैयारी है, उनका आने का उद्देश्य क्या है? उधम सिंह नगर में वाटर स्पोर्ट्स जो है वो हमारे गुलाबगंज डैम में ही होने हैं और मुख्यमंत्री जो इस कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि जब मैं आ रहा हूँ गदरपुर में पहली बार तो क्यों ना एक बड़ी सभा को संबोधित किया जाए और उस सभा के माध्यम से वो गदरपुर को और गुलरभोज को, पहले भी उन्होंने गुलरभोज डैम को पर्यटन का दर्जा दिया है लेकिन अब गुलरभोज डैम को विकसित करने के लिए गदरपुर विधानसभा को विकसित करने के लिए उन्होंने अब एक नई बड़ी सौगात देने के मूड से आ रहे हैं और उसको जो हम लोग वहाँ पे पहुँच करके उस रैली को सफल बनाने के लिए हमने कार्यकर्ताओं को मीटिंग बुलाई है। पंजाब के जीरा में कांग्रेस विधायक के विरुद्ध पूर्व विधायक की तरफ से लोगों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के चलते किया जा रहा है रोष मार्च। यह रोष मार्च कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक नरेश कटारिया मक्खू की तरफ से किसान जत्थेबंदियों के सहयोग के साथ हल्का विधायक कुलबीर सिंह जीरा के विरुद्ध मक्खू से जीरा तक निकाला जा रहा है। इस संबंध में हमारे संवाददाता लवप्रीत सिद्धू से बात करते पूर्व विधायक नरेश कटारिया। सब तो मैं सारी साथ संगत जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। उस वाहेगुरु जी का ओट आसरा लैके ये जो प्रोग्राम है ये असी आ जड़ा साढ़े जीरा हल्के का एम एल ए इसने लुट मचाई हुई है उसके खिलाफ असी ये रोस मार्च कल नूं करन जा रहे हैं। 16 फरवरी 2019 बाबा बाठा वाला जी के पवित्र स्थान के सामने एक पार्क है उहदे विच असी ये प्रोग्राम रखिया वा। मैं सब तो पहला तो मैं सारी संगत को बेनती करूँगा कि उस प्रोग्राम विच जरूर पहुँचो ता जो आपां जीरे हल्के की लुट कसुट धक्केशाही उसका पर्दाफाश कर सकीए। ये सारिया जो गल्लां दा खुलासा कल उत्थे सामने किया जाऊगा क्योंकि साढ़े जीरे के हल्के दे एम एल ए इन्होंने पिछे जे एक वीडियो पाई सी मेरी कलम यह किसी लड़की के मसले विच जां नशे के मसले विच कलम कदे नहीं चलूगी, ना मैं किसी की सिफारिश करूँगा ना मेरे कोल कोई आवे। ये तो मैं मानता वा इन्हें यह भी गल की सी भी मैं किसी तो एक रुपया भी नहीं लिया, कोई रुपया लिया हो मैनू कोई साबित कर दे। गल मैं बिल्कुल मानता वा भी रुपया ने नहीं लिया, रुपया तो अजक मंगता भी नहीं लगा, ये तो फिर एम एल ए आ लखां करोड़ रुपये ले आते अज सारा जीरा हलका तरा तरा करता वा। कोई खुफिया एजेंसी भेज के वेखो पिंडा दे विच लोग सहमे पए आ, ठीक है डरते अगे नहीं आउणगे, एक दो प्रोग्राम होण तो बाद तुसीं वेख्या जे किवें लोग उठदे किवें इहनां दे खिलाफ। से बात करते सरपंच बलवंत सिंह। हाँ जी मैं बलवंत सिंह महक सबका सरपंच बह गुजरा बेनती करदा हाँ जो कि हलका जीरा च एम एल दियां वधीकियां होईयां ते लुट खोआ ते गुंडागर्दी के खिलाफ जो आवाज़ उठाई है पब्लिक नूं भैणां भरावां नूं सब नूं अपील करदा भी कल शनिवार 16 तरीक नूं बाबे बाठां वाले गुरद्वारे साहब तो असीं एक रोस मार्च कढ रहे हां। उस रोस मार्च सारे हिस्सेदार भागी बनो, वध चाढ़ के विच शामिल होवो क्योंकि ये लुट्टां होईयां नूं जिहड़े आपां इहनां नूं नत्थ पा सकीए ते पर इन्हां नूं पता लग जाए भी लुट्टां दे लोग जाग पए ने अगे आते लुट्टां कर तो बंद हो जाण, जो रेता इन्हां खड्डां मचाईयां ने इन्हां कुछ नेर मचाया साडे पिंडां दीआं सड़कां वेखो जा के सत्यानाश हो गया हल्के का जे इवें चलदी रही
तो एम एल एवं रहा तो जीरे हल्के का सत्यानाश कर देंगे। वध चढ़ के सारे संयोग दो तो इन्हों इतों चलते करिए ते तुहाडी अगे वागडोर संभालने वाला कोई आवे ते हलके दा विकास हो सके ते काम होण। मैं इस गल नूं सारिआं नूं फिर भी दुबारा बेनती अपील करदा भैणां भरावां नूं जीरे हलके दे वासियां नूं, कल नूं शनिवार 16 तरीक नूं वध चढ़ के संयोग दिओ ते पहुंचो ते आ के आपां रोस मार्च नूं वधा सकीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। जौनपुर में जलालपुर परिक्षेत्र के राकत तहसील के रहटी ग्राम के निवासी सुप्रसिद्ध व समाज सेवी एवं प्रांतीय स्तर के उद्घोषक रामचंद्र सिंह से यहां हो रहे वार्षिक गणेश पूजनोत्सव कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेते हुए जौनपुर से हमारे संवाददाता विनय गुप्ता की एक रिपोर्ट। ये ग्राम है, यहां पे अभी गणेश पूजा सालों से चल रहा है, पूरे प्रदेश के हमारे बड़े भाई साहब यहाँ खड़े हुए हैं। अब देखिए ये जौनपुर जनपद का जलालपुर विकास खंड तहसील का ये आदर्श और विद्वानों का मजमा कला है। यहाँ पे इस धरती से जन्मे उपजे इस माटी से, जिनका कहना है कि देश गांव में बसता है, बाबू वीरेंद्र सिंह जी मुंबई से पधारे हैं और अभी अद्भुत काव्य गोष्ठी यहाँ हो रहा था और आपने काव्य गोष्ठी देखा भी है। अब आइए जानना चाहते हैं कि किस पर्पज से लोग यहाँ इकट्ठे आप किए हैं और क्या यहाँ चल रहा था। आपका परिचय? मैं भीमल कुमार चौरसिया ग्राम मजकुमा कला का निवासी हूँ। ठीक सर, तो आप जो कि यहाँ पे आज काव्य सम्मेलन में उपस्थित थे। जी सर, हम बहुत आज खुशी अपार प्रकट करते हैं कि आज वीरेंद्र भाई साहब के द्वारा हम लोगों को बहुत अपार खुशी प्राप्त हुई है। धन्यवाद सर। आपका परिचय सर? सर मैं अमित कुमार सिन्हा जी जलालपुर से हूँ जी। तो आप कवि हैं सर जी, चंद पंक्तियाँ सुनाएं सर, दो लाइन। आज एक बिना मौसम गजब बरसात है, आज कुछ दिन खास है, चलो थोड़ा सा भीग लें, आज अच्छी बरसात है। वाह क्या बात है, क्या बात है। आपका परिचय सर? सर मेरा नाम गुड्डू बेगाना जी। तो आप भी यहाँ पे आज अग्नि रक्ति दे रहे थे? हाँ सर जी। दो लाइनें सुनाए दर्शकों को। हमारे दो लाइन सर क्या है, हम सब परदेश में हैं, हम परदेशी हैं। हाँ बोलिए सर। दो लाइन। परदेशी 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 ओ परदेशी ओ परदेशी काहे रोवे दिन राती, सब कुछ एक दिन
लूट जाएगा सब कुछ एक दिन, लूट जाएगा कोई न होगा साथी, प्रेम के दीपक बुझ जाएंगे, राख बनेगी बाती। बहुत 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 परदेसी। क्या बात है, आपका परिचय सर? मैं रामजन शरण जौनपुरी, आकाशवाणी कलाकार भी हूँ जी सर, और गीत और कविताएं लिखता रहता हूँ यही मेरे। तो कवि महोदय जरा सा दो पंक्तियां हमारे दर्शकों को सुनाएं। बनेंगे चांद, हाँ जी बनेंगे चांद जी, फिर बिखरेंगे शहर वालों जी, वो गजल बनेंगे जी, निकलेंगे शहर वालों। क्या बात है, बहुत बहुत। आपका परिचय सर? मैं अशरथ जौनपुरी बद्रीमा कला से जी चंद पंक्तियां पेश कर रहा हूँ। स्वागत। कि इस दुनिया के सारे गम दिल से मेरे शर्मिंदा हैं, इस दुनिया के सारे गम दिल से मेरे शर्मिंदा हैं, क्योंकि मेरे होठों पर मुस्कान अभी तक जिंदा है, क्योंकि मेरे होठों पर मुस्कान अभी तक जिंदा है, और इश्क प्यार की गलियों में मैंने घूम के देखा है, प्यार वफा की सारी रस्में झूठ का एक पुलिंदा है। क्या बात, झूठ का एक पुलिंदा है। क्या बात है, बहुत खूब। अब देखे यहाँ पे आयोजक बैठे हुए हैं, आप पूरा परिचय बताएं सर। हमारा नाम वीरेंद्र इंदिराज सिंह है, और आज काव्य गोष्ठी आपके माध्यम विनय अकेला जी के माध्यम से रखा गया है, और बड़ा ही आनंद आया कि पहली बार एक अनुभूति मिली इस मझगवां कला में, क्योंकि आपके माध्यम से और सभी कवियों के माध्यम से लगा कि मझगवां कला में गंगा जमुना अगर सभ्यता अगर कहीं है तो मझगवां कला में है। जैसे आपने बताया कि हिंदू पुराण पढ़ते हैं और मुसलमान रामायण, ये गंगा जमुना सभ्यता यहाँ पर है, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और यहाँ के सभी कवियों और हमारे सभी बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। यही कहूँगा कि इसका दिल हो या उसका दिल, हाँ जी इसका दिल हो या उसका दिल, ठेस लगेगा जी, ठेस लगेगा जी, दुखेगा इसका दिल हो या उसका दिल। क्या बात, हिंदू का हो या मुसलमान का, हाँ जी ऊपर वाले ने दिया है छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा दिल, इसका दिल हो या उसका दिल, ठेस लगेगा तो दुखेगा चाहे हिंदू का हो या मुसलमान का। क्या बात, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, पुनः सब ग्रामवासियों को और खास संजय जी को मैं अनुरोध करता हूँ कि अगली बार जो आपका ड्रामा आएगा तो कम से कम ये जो गंगा जमुना सभ्यता आप हर साल दिखाते हैं, इस बार भी आपके ड्रामा में फिर से दिखाएं। और रामलीला समिति का भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिनके माध्यम से आज जो यहाँ बैठे हैं, कहीं ना कहीं रामलीला समिति का भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है, और धन्यवाद विनय अकेला जी। धन्यवाद सर। देखिए अभी आयोजक बहु श्री वीरेंद्र सिंह जी जो मुंबई से पधारे हैं, यहाँ के माटी में जन्मे पले बड़े हैं, और सारे कविगण देख रहे हैं आप, सारे जो कि हमारे दर्शक श्रोतागण भी, सभी का बहुत अभिनंदन करते हुए मैं विजय गुप्ता अकेला फाइव न्यूज इंडिया, नमस्कार, जय हिंद। जवानिया गाजीपुर के दवेस्ता पूर्वांचल स्कूल के पुलवामा हमले में मारे गए शहीद को 2 मिनट का मौन रखकर उनके आत्मा के शांति के लिए पूरे विद्यालय परिवार ने नम आंखों से मौन रखा। प्रधानाचार्य मनोज गुप्ता, विजय शंकर पांडे, अनिल गुप्ता, राजेश यादव, प्रबंधक मोहम्मद नूरदीन अंसारी, संस्थापक मोहम्मद कमालुद्दीन आदि लोगों ने शोक सभा की। गाजीपुर से हमारे संवाददाता मोहम्मद जफर इकबाल की रिपोर्ट। ये तभी के समाचार आए, कुछ खास खबरों के लिए देखते रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।